आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पिज्जा, जिसे हम तवे पे बनाएंगे। आप इसे ओटीजी में भी बना सकते हैं। सबसे पहले हम पिज्जे के लिए मिक्सचर तैयार करेंगे। ये हमने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है, उसके सब बीज निकाल दिए और इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया ऐसे। एक मीडियम साइज की शिमला मिर्च, उसे भी छोटे टुकड़ों में काट लिया। आप किसी भी आकार में काट सकते हैं, लंबा या छोटा। एक मीडियम साइज का प्याज लिया है, उसे भी बारीक काट लिया। और 2 टेबलस्पून कॉर्न लिए हमने। अब इन्हें एक बोल में डाल देंगे सब चीजों को। इनमें अब ये मसाले डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार या 1/4 टीस्पून, क्योंकि चीज में भी नमक होता है और सॉसेज में भी नमक होता है, तो हम इसमें कम ही डालेंगे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून, ये भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये ऑरिगेनो है 1 टीस्पून, ये भी डाल देंगे। टोमेटो केचप 1 टीस्पून, थोड़ा सा चीज, ये ग्रेट किया हुआ है, ये मोजरेला चीज है, ये भी डाल देंगे थोड़ा। अब इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। पिज्जे के लिए हमारा मिक्सचर तैयार हो गया है, इसको अब साइड में रख लेंगे। एक प्लेट लेंगे, इसमें 4 पीस ब्रेड के लेंगे। आप व्हाइट ब्रेड भी ले सकते हैं, हमने ब्राउन ब्रेड ली है। अब ब्रेड के ऊपर सबसे पहले पिज्जा सॉस लगाएंगे। ये पिज्जा सॉस होममेड है, आप इसका वीडियो लिंक स्क्रीन पे देख सकते हैं। सब तरफ ऐसे फैला देंगे। सारी ब्रेड्स के ऊपर हमने पिज्जा चीज लगा दी है। अब इसके ऊपर ये मिक्सचर डालेंगे। अब इसके ऊपर मोजरेला चीज डालेंगे, जो हमने ग्रेट करके रखा था। चीज भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम या ज्यादा, जितना आपको चाहिए। सारी ब्रेड्स के ऊपर हमने चीज स्प्रेड कर दिया है। अब हम 2 टेबलस्पून हमने पिघला हुआ बटर लिया है, इसमें ये 3-4 कली लहसुन की है, इसे हमने ग्रेट कर लिया था, ये डालेंगे। और 1 टेबलस्पून हरा धनिया, इन सबको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए पिज्जा बनाना शुरू करते हैं। एक पैन लेंगे, गैस को हम लो पे रखेंगे। इसमें ये बटर वाला मिक्सचर डालेंगे, लहसुन बटर और धनिए का, इसको फैला देंगे। अब इसमें ये ब्रेड रख देंगे। गैस को सिम पे ही रखना है और हम इसे ढक के पकाएंगे, और इसे तब तक पकाना है जब तक ब्रेड क्रिस्पी ना हो जाए और चीज पिघल ना जाए। चीज मेल्ट हो चुका है, ब्रेड भी क्रिस्पी हो गई है। अब इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए पूरी तरह से मेल्ट हो गया चीज। और इसी तरह बाकी के 2 पीस भी सेक लेंगे उनको। पहले ये पैन को साफ कर लेंगे अच्छे से। बाकी जो 2 स्लाइसेस थे वो भी तैयार हो गए हैं, इन्हें भी प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। गैस को बंद कर देंगे और इन्हें अब सर्व करेंगे। हमारा यम्मी ब्रेड पिज्जा तैयार है। तो ये रही हमारी आज की रेसिपी ब्रेड पिज्जा। इसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत जल्दी बन जाता है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।